रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पूर्व मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की 49वीं पुण्यतिथि राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। नगर परिषद चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन, रेल राज्य मंत्री ने जनप्रतिनिधियों को दी शुभकामनाएं। भागपुर के नए एसएसपी बनाए गए आनंद कुमार, अपराध पर नियंत्रण लगाने को बताया पहली प्राथमिकता। ग्रामीणों ने भूमि विवाद पुरानी दुश्मनी में झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर ग्रामीणों ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। विजिलेंस की टीम ने राजस्व कर्मचारी संतोष झा को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। दाखिल खारिज के नाम पर पीड़ित से मांगे थे 15,000 रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर मधुबनी से है, जहां जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के बैनर तले मधुबनी जिला के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी को मांग पत्र दिया और मांग पत्र देने के बाद जिला कार्यालय गदियानी में मंगलवार को सांकेतिक धरना प्रदर्शन जिला संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक कुमार राय की अध्यक्षता में किया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में राम सागर यादव, योगेंद्र प्रसाद यादव और शैलेंद्र मिश्रा के साथ सैकड़ों की तादाद में जिले भर के जन वितरण प्रणाली दुकानदार मौजूद रहे। हम लोगों का यही मांग है कि जो अभी तक 20 से जो कोविड चला, हम लोगों को अभी तक कमीशन जो सरकार के द्वारा अभी तक नहीं मिला है। दूसरी बात है कि जो हम लोगों को मानदेय कम से कम 30,000 रुपया दिया जाए। 7-8 सूत्री मांग में कम से कम मुख्य मांग 2-3 मांग है जो हम लोग को मिलना चाहिए। इसी के कारण हम लोग जनवरी तक हड़ताल पर हैं। जब तक हम लोग की सरकार मांग नहीं देंगे तब तक हम हड़ताल पर डटे रहेंगे। लड़ाई लड़ते थे 8 सूत्री मांग को लेकर के, अब एक नया उत्पन्न हो गया है जो गंगा बाबू रोजी और रोटी की सवाल है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके इस विभाग को समाप्त करने के सोच रहे थे, लेकिन अब समाप्त कर दिए। हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों की कुछ मांग है। सरकार के द्वारा जो यह नीति, गलत नीति के तहत हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसमें कोविड-19 के समय से ही 2020 से 21-22 वितरण कर दिए हैं, अभी तक किसी भी विक्रेता को मार्जिन मनी नहीं मिला है। खबर मधुबनी से है, जहां जिला परिषद अध्यक्ष के 1 साल पूरे होने पर वार्षिक समारोह मनाया गया। बता दें, मधुबनी में विगत वर्ष जिला परिषद अध्यक्ष पद पर बिंदु गुलाब यादव निर्वाचित हुई थी। वार्षिक महोत्सव के आयोजन पर अध्यक्ष ने सभी जिला परिषद सदस्यों को मिथिला की परंपरागत सम्मान पाग दोपटा से सम्मानित किया और सदस्यों को उपहार स्वरूप ट्रॉली बैग पकड़ा दिया। जिला परिषद द्वारा पहली बार आयोजित सम्मान समारोह की लोगों ने सराहना की। खबर भागलपुर से है, जहां 2012 बैच के आईपीएस व भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने पदभार ग्रहण किया और भागलपुर के नए एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि अपराध पर नियंत्रण लाने में मेरी पूरी जिम्मेदारी है और उसे मैं पूरा करूंगा, जिसमें यहां की जनता को मीडिया व पुलिस कर्मियों की काफी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की घटना का आभास हो तो तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर या ऑफिस के नंबर पर बताएं, जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके। अगर कहीं अपराध होता है तो उसका सही तरीके से डिटेक्शन और जो भी उसको कारित करने वाले हैं उनका जो उनको वैधानिक निष्कर्ष पर पहुंचाना वह हमारी जिम्मेदारी होगी। और इसके साथ ही साथ विधि व्यवस्था का संधारण शहर में और पूरे ज़िले में अमन चैन कायम रखना हमारी जिम्मेदारी होगी। और आप सभी लोगों का सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूँ और पूरे जिले वासियों से भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं। और किसी को भी अगर कहीं से भी कोई सूचना मिलती है
तो उनसे जरूर अनुरोध करता हूँ कि जो हमारा सरकारी नंबर है, CUG नंबर है, उस पर कॉल करें या हमको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना को दे सकते हैं। आपका नाम कहीं भी उजागर नहीं किया जाएगा। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में नगर में एक निजी होटल में नगर परिषद चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे रहे और कार्यक्रम के दौरान सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए रेल राज्य मंत्री ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं मंत्री ने अपने संबोधन में रेल से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा किया और उसको लेकर समाधान का आश्वासन दिया। मैं आपका जो प्रश्न है इस पर ध्यान दूंगा, हमारे ऑफिसर की मीटिंग कराऊंगा। मैं यहाँ दोबारा आने वाला हूँ, आज DRM साहब मेरे साथ आए थे, मैं उनको साथ लेके जा रहा हूँ। नया ये विषय मेरे लिए नया है, मैं इस समस्या कॉल करने के बिहार के अस्थावा प्रखंड स्थित बलवा पर गांव में यूरिया की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। यहां दुर्गा ट्रेडर्स नाम एक फर्टिलाइजर कंपनी पर किसानों ने आरोप लगाया कि ये दुकानदार यूरिया की कालाबाजारी कर रहा है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए 266 रुपए की यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है। बावजूद इसके आज भी जिले में किसानों से यूरिया की कीमत 400 से 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। खाद ले भैया, खाद लेने के लिए? हाँ। तो मिला? हाँ। कैसे मिला? 400 में कितना है? एक बोरा 800 लग लो, दो बोरा 400। 400 रुपये बोरा? हाँ। और वैसे सरकारी रेट कितना है? सरकारी रेट कैसे है? सरकारी 260 है। खाद की दिक्कत है क्या? मिलिया नहीं रहा सर। मिलने रहा है? नहीं। क्या कह रहा है? कहता है ये नहीं है, ये आधार कार्ड देते, आधार कार्ड मिल जाता है। हाँ। अभी तक मिल नहीं रहा है, आधार है से बैठल है, अभी तक के कोई ठिकाने नहीं है। सुबह से बैठे हुए? हाँ। आधार उधार सब फेंक देता है? हाँ। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां नगर की एक बेटी ने पुरानी मान्यता को तोड़ते हुए पिता की अर्थी को न केवल कंधा दिया बल्कि शमशान तक जाकर मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार भी किया। रूंधे गले और बहते आंसुओं के बीच पुरुष प्रधान समाज में बेटी ने एक ऐसा उदाहरण पेश कर बता दिया कि बेटी बेटा समान होते हैं। पापा मेरे लिए भगवान थे और दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे। बचपन से लेके आज तक मुझे बेटा ही कह के बुलाते हैं, बेटी होने का कभी एहसास ही नहीं दिया। हर चीज़ मांगने से पहले देते थे मुझे और हर किसी के लिए बहुत अच्छा करते थे। खबर सुपौल से है, जहां भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की 49वीं बलिदान दिवस उनके जन्म स्थान सुपौल जिले के पैतृक गांव बलुआ में राजकीय सम्मान के साथ मनाया गया। बता दें, राजकीय सम्मान समारोह में बिहार सरकार के जल संसाधन सूचना और जनसंपर्क मंत्री हवाई मार्ग से बीरपुर हवाई अड्डा पहुंचे, फिर सड़क मार्ग से बलुआ राजकीय सम्मान में शामिल हुए। तो जरूर आग्रह करते हैं कि भाई आज भी मिथिला और बिहार के लोग को जानना चाहते हैं कि ललित बाबू की हत्या के संबंध में जो भी कागजात है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए। वो सारा कागज कम से कम जनता को पता हो कि क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या उसमें कर दिया गया, लेकिन उससे संबंधित जो कागजात है उसको डीक्लासिफाइड कर दिया जाए, वो पब्लिक डोमेन में रख दिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता
ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर सहरसा से है, जहां जिले के महिषी प्रखंड के तेलहर पंचायत के ग्रामीणों ने भूमि विवाद और पुरानी दुश्मनी को लेकर पंचायत के पूर्व मुखिया द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराकर निर्दोष लोगों को फंसाए जाने की शिकायत एसपी से किया, जिसके बाद एसपी ने मामले में निष्पक्ष जांच पड़ताल कर निर्दोष लोगों को मामले से मुक्त करने की मांग रखी। विवाद थान का मामला है, इसमें एसएससी मुकदमा बलराम पासवान किया है, झूठा मुकदमा, सभी आदमी को फंसा दिया गया है। कहे फंसाया गया, मामला क्या है? मामला है दीवार थान का। दीवार थान में हम बड़ाहुल झा मुखिया मुरादपुर और हम तलहर पंचायत के मुखिया वहां गए, बाउंड्री करने कर रहा था, उसको रोकने के लिए वो लोग नहीं माना, कहने हम करवे करेंगे, मुखिया काहे के लिए आया है। मामला एक्चुअली जमीनी विवाद है और जमीनी विवाद को लेके एक राजनीतिक मुद्दा मंदिर बनाया गया, डीहवार स्थान के मंदिर को घेराबंदी करना चाह रहा था, जिसे कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा रोका गया। रोकने के बाद वो लोग आग बबूला हो गए और आग बबूला होने के बाद 5 आदमी पे महसी थाना कांड संख्या 353 5 अभियुक्त के आदमी के ऊपर एसटीएससी केस कर दिया गया। और कुछ योजना का मामला है, योजना का पेटिशन जगदीश साहब के द्वारा दिया गया, पूर्व में पेटिशन दिया गया था लेकिन पहले एसटीसी करने के बाद फिर 354 किया गया। जगदीश साहब के यहाँ मारने के लिए गया 5-7 आदमी जो कि उस 354 में अभियुक्त है, जो तुम योजना पे पेटिशन दिए हो, योजना का पेटिशन उठा लो नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। हम लोग का जो मन होगा गाँव में पंचायत में वही करेंगे। खबर सहरसा से है, जहां पटना की विजिलेंस की टीम ने 15,000 घूस लेते कहरा अंचल के राजस्व कर्मचारी संतोष झा को समाहरणालय परिसर में रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज के आवाज में बनगांव थाना क्षेत्र के रउआ मानी के रहने वाले व्यक्ति से घूस के रूप में 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी के दौरान 15,000 घूस लेते रुपए के राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। परिवादी हैं मोहम्मद इसराफिल, रोवा मणि के रहने वाले हैं। इन्होंने 23/12/2022 को इन्होंने अपना एक परिवाद दिया था निगरानी में कि इनके कि इनसे जो दाखिल खारिज की ओर में घूस की मांग की जा रही है। इसके सत्यापन कराया गया, सत्यापन में ये सही बात पाया गया और आज उनको 15,000 रुपये देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। खबर मोतिहारी से है, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। एक आदमी ड्राइवर पुलिस आया, उसको लेके चला गया सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीताराम प्रसाद हुआ। क्या कर रहे थे? हम सब्जी भी बेचते हैं सर। सब्जी बेच रहे हैं जी। कहाँ की घटना घटी जी? स्टेशन के बगल में, स्टेशन पर है, वहाँ मेरा रोड पे दुकान है, रोड के बगल में वहाँ दुकान है। हम लोग सब्जी दुकान उकान खोलते हैं, अब वहाँ से कम रोड से बहुत दूर तक मेरा दुकान है वहाँ। अब रोड पे गाड़ी चला के आ रहा था, वहाँ से एक जने के नहीं 4-4 जने को वहाँ पे ठोक दिया सर। वहाँ कोई ब्रेक भी नहीं फेल हुआ है, ना कोई दारू भी ड्रिंक भी कुछ भी नहीं किया था, वो जानबूझ के ऐसे किया है घटना को सर। वो सब ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस है, 3 लोग जख्मी हुए हैं, एक बच्चा है 12 साल का और एक अननोन है और एक और पेशेंट है। 2 पेशेंट की स्थिति गंभीर है, हालांकि 3 को रेफर किया गया है, एक का फ्रैक्चर बाइलेटरल लोअर लिम्ब है
बोथ बोन ऑफ लोअर लिम्ब है, फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर है, इसलिए उनको रेफर किया गया। इन दोनों पेशेंट को भी हेड इंजरी है, इनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया। खबर रोहतास जिला के विक्रमगंज से है। विक्रमगंज एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें रात के अंधेरे में बालू लदा हुआ एक ट्रक धड़ल्ले से पास हो रहा है। बड़ी बात यह है कि ये ट्रक नसरीगंज के अमियावर व बकछुआ थाना के दनवार सोन नदी के बालू घाटों से काराकाट विक्रमगंज होते हुए बक्सर से उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे से गुजर रही है और विक्रमगंज एसडीएम एसडीओपी के कार्यालय एवं आवास के सामने से गुजर रही है। बता दें रास्ते में कई थाने भी हैं लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं इस संबंध में विक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पॉल ने बताया कि उन्हें इसकी सूचना मिली और इसकी जांच के बाद दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए मेरे आवास और कार्यालय से ओवरलोड बालू जाता है, इसके लिए हम लोग मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, उसकी सघन जाँच हो रही है। चोरी छुपे अगर कोई ले कर निकल रहा है तो उसके लिए भी हम लोग अलग से फिर कार्रवाई करेंगे। उसको लगातार 3 दिनों से जा रहा है तो आखिर मजिस्ट्रेट क्या अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि लगातार जा रहा है कि क्या जा रहा है, मगर हमको सूचना मिली है, अब इस पर फिर से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ